आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड मॉब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेस्ट में। चलिए दोस्तों शुरू। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेस्ट YouTube चैनल और इस घंटे के बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। करते हैं, एडमोब है क्या, इस पे अकाउंट बनाने का फायदा क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एडमोब के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि एडमोब है क्या, इसका कैसे यूज कर सकते। सबसे पहले हम अपना इंटरनेट खोल लेते हैं इस तरह का पेज और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एडमोब। यहाँ पे एडमोब लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी पर भी यदि एक पहले दूसरे किसी पर भी क्लिक करेगा तो एडमोब का मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप और साइनिंग का दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन यदि आपके पास गूगल एडसेंट का पहले से अकाउंट है तो उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नहीं है तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। यदि आपका गूगल एडसेंट पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे उसी से अकाउंट से यहाँ साइनिंग कीजिएगा। यदि पहले से बना हुआ है और उसी से आप यहाँ पर साइनिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ। वहाँ पर जो आप गूगल एडसेंट पहले से बनाए हुए हैं वहाँ पर अपना जो पता, बैंक अकाउंट या फिर जो भी वहाँ पर सब चीज़ दिए हैं, यदि उसी से बनाएंगे तो यहाँ पर वो सब चीज़ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एडमोब को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपका पहले से गूगल एडसेंट का अकाउंट वेरीफाई है तो उसी से आप इसे यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। मैं जो मेरा पहले का बना हुआ है उसी अकाउंट से मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे लॉगिन करके, क्योंकि बाद में लोग यही पूछेंगे कि जो मेरा गूगल एडसेंस बना हुआ है उसी से मैं इसे लॉगिन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता था। इस तरह का देखिए यहाँ भी ये खुल गया, एडमोब का अकाउंट खुल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे खुल जाने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह का इंटरफेस आपको तभी मिलेगा जब आपका गूगल एडसेंस से पहले पर वेरीफाई है। तब यदि नहीं होता है तो यहाँ पे नाम, गांव, पता सब कुछ भरने के लिए ऑप्शन तुरंत आ जाएगा। चलिए यहाँ से आप इस सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नीचे टिक मार्क बना हुआ, टिक मार्क को ओके करके यहाँ पर क्रिएट एडमोब अकाउंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा है यू आर सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एडमोब अकाउंट, यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एस और नो का, यहाँ पे आपको सभी को एस एस कर देना है। यहाँ पे याद रखिएगा इन सब चीज़ों को आप जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सभी को आपको एस करना है, तभी जो ऐड आते हैं। तो यदि यहाँ पे आप नो कर देते हैं तो कुछ ऐड या कुछ चीज़ होती है वो आपके जो भी ऐप होता है उसके अंदर ऐड नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यह एडमोब का मेन अकाउंट, यहाँ पे अभी मैंने साइनिंग किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या चीज़ लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ यहाँ देखते हैं गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद एक अकाउंट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके पास कोई एप्लीकेशन है, तो मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ पे नो करूँगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि एप्पल या चाहे एंड्रॉयड का कोई एप्लीकेशन है। यहाँ पूछ रहा है इंटर योर ऐप इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक ऐप एंड्रॉयड का होगा, तो यहाँ पर मैं कोई मेरा नाम डाल सकता हूँ, मैंने अपने चैनल का ही नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई एप्लीकेशन है नहीं, मैंने अभी कोई एप्लीकेशन पब्लिश नहीं किया हूँ। इस तरह आ जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं नेट क्रिएट एड यूनिट, यहाँ पे हमें तीन यूनिट मिलेगी। इन तीन यूनिट को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद इस सबों को आपको तीनों को एक एक बार करके यहाँ पे इन सबों को क्रिएट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे तीनों पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, एक करेंगे हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर बैक आकर फिर दूसरे करेंगे, फिर तीसरे करेंगे, फिर चौथे करेंगे। इस तरह का जितना भी आपके रहेगा, पहले चार देता था, एक निगेटिव करके देता था, लेकिन अब वो हटा दिया है, अब सिर्फ तीन ही आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैनर, इंडस्ट्री और रिवार्डेड, ये तीन चीज़ें हैं जिनको आपको करना है ऐड यूनिट के अंदर ऐड करने के लिए। इन सब तीनों को क्लिक करके इन्हें वेरीफाई करके करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सेलेक्ट ऑप्शन देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का खुल जाएगा बैनर। बैनर खुलने के बाद यहाँ पर देख रहा है ऐड यूनिट नेम, यहाँ पे अपना ऐड यूनिट नेम कुछ आप अपना डाल सकते हैं जो आप यहाँ पे डालना चाहे। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी ऐड नहीं है, मतलब कोई भी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँगा माई बैनर। यहाँ पर मैं अपना माई बैनर लिख देता हूँ, यहाँ पर यह मेरा माई बैनर। यहाँ से क्रिएट एन यूनिट, क्रिएट एन यूनिट पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये बन के आ गया है।
यही जो आपको ये बड़ा बड़ा नंबर दिख रहे हैं यही आपका मेन चीज होता है। चलिए इसे मैं डन करता हूँ, एक यूनिट मेरी क्रिएट होगी। चलिए अब ऊपर देख सकते हैं ऐड यूनिट, मतलब अभी एक मैंने एक बार किया हूँ बैनर, अब मैं दूसरा करता हूँ। सेम चीज़ वहीं लिखूँगा जो इसका नाम है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सेम उसी का नाम जो है, बस वहाँ उसके आगे मैं माई लगा देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे तुरंत उसी तरह सेम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं एक सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से होता है इसलिए मैं यही नाम रखा हूँ, बाद में इसको चेंज कर लूँगा अपने हिसाब से। चलिए मैं उसे ऐड यूनिट पर दोबारा क्लिक करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तीन था मैंने भी दो ही किया हूँ। ये देखिए तीसरा है, तीसरे में भी मैं सेम यही चीज़ तो यहाँ भी मैं सेम नाम वही लिखूंगा माय रिवार्डेड, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ माय रिवार्डेड, यहाँ पे भी माय रिवार्डेड लिखने के बाद यह इसे भी उसी सेम तरह से इसे हम क्रिएट ऐड यूनिट करके इसे अपने एडमोब अकाउंट के अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह से तीनों यूनिट यहाँ पे ऐड हो गए। जब हम कोई ऐप पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे यह चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। मैं आज आपको बताता हूँ कि एडमोब अकाउंट होता क्यों है। एडमोब अकाउंट का सबसे मेन कारण है कि यदि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड चाहे एप्पल आईओएस के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास एक एडमोब अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होता है, जो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर जो भी ऐड आता है उसको लाने के लिए एडमोब अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ऐड आएगा तो उस ऐड का पैसा, जैसे हम लोग यूट्यूब चलाते हैं तो उसका पैसा एडसेंस अकाउंट में जाता है, यदि उसी तरह सेम यदि हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं बनाते हैं उसे पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर जो ऐड आएगा उसके लिए हमारे पास एक एडमोब अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एडमोब अकाउंट का काम आप ले सकते हैं। एडमोब अकाउंट यदि आपके पास है तो आप फेसबुक के पेज पर भी जाकर वहाँ पर भी एडमोब अकाउंट से ऐड यूनिट करके वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने फेसबुक पेज से भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। एडमोब अकाउंट का एक चीज़ और मैं फायदा बताऊँ, तो यदि आपके पास एडमोब अकाउंट बना हुआ है तो उसके फायदे आप अपने गूगल में भी ले सकते हैं, और एडमोब अकाउंट पर जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं आप कोई भी छोटा मोटा एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए, वहाँ पे एडमोब अकाउंट पे ले जाकर उसे पब्लिश कीजिए, तो आपके उसके अंदर ऐड आने लगेंगे। एडमोब अकाउंट होने की वजह से आपके अकाउंट आपका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ऐड आने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन जरूर दबाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।